हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। कितनी स्मेल आ रही है। Hey, give me that, no. ये लो। और यार, लास्ट सिटिंग कैसी रही? यार, ठीक था यार। कम फास्ट यार, ये लोग हमेशा लेट करती हैं। जल्दी चलना, टाइम हो रहा है। शीला का ध्यान रखना। हाँ हाँ, शीला का ध्यान रखना। यू इडियट्स, क्या बार बार शीला का ध्यान रखना बोल रहे हो? तुम्हारा मतलब समझती हूँ मैं। सॉरी गर्ल्स, तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, सॉरी। इट्स ओके, ये तो है ना। hey, उसमें वो बात नहीं, वो स्टूपिड नहीं को। घबरा गई। इसकी तो हालत पतली हो गई। ये क्या है तेरा फेसबुक? ना कोई लाइक्स ना कमेंट्स, छह
फोटो पर कमेंट्स होनी चाहिए यार। स्टॉप 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 द कार। अरे क्या हुआ? एक मिनट रुको, जल्दी आना। ए यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? ए बोतल मुझे दे, वो बिरयानी का पैकेट भी देना। ए गिव इट। बिरयानी पैकेट क्यों चाहिए? बात यह है कि फेसबुक पे अपलोड करने के लिए एक अच्छा कंटेंट मिला है। ये लो। उस भिखारी के पास जाके उसे बिरयानी देती हूँ, और तुम जल्दी से मेरी एक फोटो खींचना, ओके? फिर देखना, 1000 likes 300 comments पक्का। ओके ओके, ये लो। ए, एक मिनट रुको, क्या कर रही है? जल्दी से फोटो खींच। अरे क्या हुआ? क्या है भिखारी, एक तो तुझे खाना खिला रही है, ऊपर से ऐसा कर रहा है, इडियट। ए छोड़ मुझे, छोड़ मेरा। इट्स जस्ट अ स्मॉल इंजरी। इंसान का जो दांत है वो बहुत डेंजरस है, इसलिए इतने टेस्ट करने पड़े। जरा सा मैं सोता तो गड़बड़ हो जाती। क्या कहा? अरे कुछ भी हो सकता था। सॉरी सर। हॉलमार्क की ज्वेलरी पहन के घूमने वाली लड़कियों के कोई इस तरह से डेंटल मार्क कैसे बना सकता है? आखिर कौन है ऐसी हरकत करने वाला? डॉक्टर मैंने उसका फोटो खींचा है, ये देखिए। तुमने तो मर्दों वाला काम किया है। थैंक यू। ये है डॉक्टर, आप इसे जानते हैं? 4 महीने पहले ही मैंने मेरे यहीं इसका ट्रीटमेंट किया था। इसके सर में चोट लगी थी, इसका सेरेब्रम भी डैमेज हुआ था, ये कोमा में जाने वाली स्टेज में था। स्कैन करने के बाद ये पता चला कि इसकी मेमोरी करप्ट हो चुकी। क्या मतलब डॉक्टर? किसी नवजात बच्चे में और इसमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। समझ लो कि ये सब्जेक्ट एक प्लेन व्हाइट पेपर शीट जैसा है, और जैसा कि आपने बताया कि वो किसी कचरा पेटी के आसपास अपनी जिंदगी बिता रहा है। अगर हो सके तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक यू। बाप रे, आ जा। आराम से, स्लो, आराम से। शीला। हाँ? शीला का ध्यान रखना। बाहर आ जा। ए, आ जाओ सब, जल्दी जल्दी कचरा उठाओ। त्योहार शुरू हुआ नहीं कि चारों तरफ कचरा फैल जाता है। एक गाड़ी में चलो, गाड़ी में चलो। अरे गाड़ी में चल, वो पागल देख वहाँ पर बैठा हुआ है। क्या कह रहा है यार? मैं उस पागल से डरकर गाड़ी क्यों वापस लेके जाऊँ? जाके कचरा उठा। अरे उससे पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। ये पागल जरूर है, लेकिन पागल के रूप में ये राक्षस है। इसकी आंखें खूंखार है, हाथ पौलाद है, और इसकी पूरी बॉडी लोहे के समान है। देख भाई मुझे ऊपर नहीं जाना, यहाँ से चलते हैं। ऐसी बात है क्या? चल चल, हाँ, चल। चलते हैं, चल। ए यार मेरे को भी थोड़ा देना। ए जाबे, मुझे ही कम पड़ रहा है। तू देगा ले। ए, ए, रुक जाओ रुक जाओ। क्या हुआ? अरे उधर मत जाओ। आ, कौन है वहाँ पर? अरे उससे पंगा लिया ना तो तुम नहीं जानते क्या होगा। ए, क्या डरा रहा है? वो मारेगा क्या? जान लेगा क्या? ए, तू देखते जा, तू देखते जा हम लोग उसका क्या करते हैं। साला डरपोक, चल हट यहाँ से। ए, ए, तुझमें दम है तो उसके पास पड़ी चीज उठा के दिखा। अभी देख। Hey!
बाप रे। रुक जा, रुक जा। देख रहा है वो अकेला कितने लोगों को मार रहा है, पागल है क्या? Take it. 1, 2, 3, 4, 5. Finish. Get out. माताजी, देवी जी। माताजी, दे दो, दे दो, दे दो। ये लो दीदी, दीदी पैसे। जी जैसे ले ले। फिर भी बोल कर करती करती। सब्जी ले लो, सब्जी। जल्दी आओ, ताजी ताजी सब्जी ले लो। मेरी सब्जी खाओ, सेहत बनाओ। जल्दी आओ, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी। आओ दीदी, सब्जी ले लो। नमस्ते भाई। बदमाश की औलाद, कर्जा लिए तुझे 3 महीने हो गए। तू कहीं गया था क्या उखाड़ने गया था बे? वो भाई मैं अपनी दूसरी बीवी की डिलीवरी के लिए गया था। दूसरी बीवी की डिलीवरी हो गई? कर्जे के ऊपर और कर्जा उठा के तू बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहा है। पहली बीवी की डिलीवरी के टाइम पे तूने कर्जा लिया था, वो तो चुका नहीं, और दूसरी बीवी के साथ भी बच्चा पैदा कर दिया। कर्जे के ऊपर कर्जा उठा के ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ा करके डिलीवरी पे डिलीवरी किया जा रहा है। अबे देश की पॉपुलेशन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है? तुझे जरा भी शर्मा नहीं क्या? अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए, वरना तेरी नसबंदी मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। जल्दी कर, जल्दी करना। ये लो। थैंक यू। ये कौन देगा? चुप कर, मुझे धंधे पे जाना। कितने बुरे दिन आ गए, माँ भीख दे दो। नहीं एक काम करो, ये रोगी तो कितने दोगी इसके? 20 रुपए। तो ये लो और पैसे दो। थैंक यू वेरी मच। टमाटर बड़ी लाल है। महीने से हम लोगों के खाने पे कुंडली मार के बैठा है। हम लोग भूखे रहते हैं और ये चपर चपर खाता रहता है। कितना खाएगा बे? पेट दुखेगा तेरा। क्यों बॉस, इतनी अच्छी बिरयानी सामने पड़ी है और तुम उसको खाते हुए देख रहे हो? जाओ खाओ। तो मुझसे क्यों कह रहा है? तुझे खाना है तो जाके खा ले। मेरे घर वाले मुझे कचरे पर डाली हुई चीज नहीं खिलाते, समझ गया? मैं खाता हूँ पेडिग्री, और मेरी सोने के लिए एक बेड भी है। मेरा जितना खर्चा है उससे पूरा मिडिल क्लास फैमिली का घर चल जाता है, समझा? इसके बारे में, हम इंसान को काटते हैं, ये हमें ही काट रहा है साला। इसके लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये ऐसे कैसे हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें सारी स्टोरी सुनाता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें?
डरपोक कहीं की, कोई कुत्ते से डरता है क्या? चलो नीचे उतरो। अरे उतरो। ओहो कमाल है, एक कुत्ते से डर गई। ठीक है मुझे बिस्किट पैकेट दो। ये लो। गुड। अब देखो इस शहर में मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, मुझे डर लगता है। क्या नाटक है ये? ओ पापा। जब तक मेरी जान है तब तक मेरे मुंह से डर का शब्द भी नहीं निकलेगा। ओके डर का मतलब क्या है? क्यूट। मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से तुम्हें अभी एक किस मिलने वाली थी जो तुमने मिस कर दी। जोकर। शादी के बाद एक किस क्या, किसकी बौछार हो जाएगी देख लेना। होगी होगी वो सब तो ठीक है, पर हमारी शादी कैसे होगी? आइडिया, सिंपली लीगली कानून के तहत रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, कैसा लगा आइडिया? वाओ। बेबी। बापरे बापरे। हे बॉस, आपके साथ जो आया था लगता है स्विमिंग पूल में पान खा रहा है। बापरे खून है क्या? लगता है मार दिया, इसीलिए बॉस मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बॉस बस एक मौका दे दो मुझे, मैं इस हाथ से एक खून करना चाहता हूँ। अभी तक मेरी टक्कर वाला कोई नहीं मिला है, जब मिल जाएगा तो मार देना। कब मिलेगा क्या पता। ए, जरा पीछे तो देख। कमिश्नर। साले कुत्ता बनने का शौक है तुझे? रम्मी खेल रहा था रम्मी, कमीने मार मार के जुम्मी बना दूंगा। जुम्मी कान खोल के सुन ले, मेरे रहते हुए यहाँ आसपास भी दिखाना तो जानता है तेरा क्या हश्र होगा। मैं ना तुझे बेगिंग माफिया का डॉन है ना तू, कलिंगा का राइट हैंड है ना तू। ए, मैं जानता हूँ तू बेगुनाह लोगों को सताकर उनसे हफ्ता वसूली करता है। तेरी तो कमीने साले, हफ्ता वसूली करता है। जॉनी अलियास डियर, मैंगलोर में मछली पकड़ता था और यहाँ सर काट रहा है। क्या बोल रहे हो सर? मैं क्या बोल रहा हूँ? सोशल नेटवर्क से लेकर इंटरनेशनल नेटवर्क तक लड़कियों को फंसाते हो और दुबई और मलेशिया में सेल कर देते हो, तुम जैसों की तो खाल उधेड़ देनी चाहिए। कहाँ है मंजा? गुलाबी 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 गुलाबी, कितना पढ़ा लिखा है तू? MSc कंप्यूटर साइंस सर। MSc कंप्यूटर साइंस, क्या बात है। यार ये बेगुनाह कॉलेज के लड़के लड़कियों को गांजा चरस पिलाकर उन लोगों की लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? तुम जैसों को तो विदाउट एनी टाइप ऑफ रीजन तुम लोगों की लाइफ में डेड एंड का बोर्ड लगा देना चाहिए। साले कमीने। कहाँ है बाकी? हाँ कहाँ भाग रहा है बे? तुझे तो मैं कहाँ पे गोली मारूंगा पता है? तेरी सेंटर पॉइंट पे। ए सेतुकुड़ी, तू हमें सपोर्ट कर इसलिए तेरा ट्रांसफर हमने यहाँ करवाया है। देख तुझे मेरा सपोर्ट चाहिए और मुझे समथिंग चाहिए। अगर इस सेतुकुड़ी का साथ तुझे मिलता रहेगा तो किसी भी समंदर को एक ही जंप में पार कर सकता है। उड़ा दो क्या बॉस इसे? आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता तू कौन है बे? अपने बॉस का फैन हूँ। आई लव यू। सब लोग ऊपर फैन लगाते हैं लेकिन तूने तो इस जीते जाते फैन को नीचे लगा रखा है। सतगुड़ी सुन ले, पुलिस स्टेशन पहुँचने से पहले तुझे जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा। अब चला जा। डन। ये क्या, तुमने अभी तक स्विमिंग पूल में कुमकुम डालना बंद नहीं किया? समझ में नहीं आता कि तुम्हें नहाते वक्त कुमकुम की जरूरत क्यों पड़ती है।
अरे ऐसे नहाने में जो मजा है वो कुमकुम डालने में कहाँ। हाँ गलत है, गलत है, बहुत गलत है। ये पिंक परी कौन है? ए बुलबुल क्या बात है, बोलो ना। मैं बातें नहीं करती, काम करती हूँ। फिर ऐसा करते हैं, किसी की भी हार नहीं होनी चाहिए, दोनों जीतने चाहिए। और सुना दो क्या? आज तो मजा आएगा, क्या बात है। बॉस फोन। क्या बॉस हाथ क्यों शेक कर रहा है? दुबई के शेख का फोन है ना, इसलिए हाथ शेक कर रहा है। सब कुछ रेडी है ना? यस बॉस। वो तालिबान ग्रुप का है, गला काट देता है। नमस्ते सर, अन्नदाता आप ही हैं। काफी शानदार सूट बूट पहन के स्मार्ट लग रहे हो। ऐसे में जेब में हाथ डालकर साउंड वाली और बिना साउंड वाली सारी करेंसी आप बाहर निकाल के रख दीजिए ना। कपड़े सिलने के लिए सुई धागा चाहिए ना। एक बजाऊंगा ना कान के नीचे, तुझे कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? क्यों दूंगा, तेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, फिर भी भीख मांग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मेहनत करके कमा नहीं सकता है क्या? ये बताओ, सिर्फ ये बन खा कर तुम लोगों ने ऐसी बॉडी कैसे बना ली है भाई? ये क्या बोल रहे बॉस? हेलो एक्सक्यूज मी ब्रदर, ये कुत्ते को खिलाने वाला बन नहीं है, ये मैकी चकी का डबल बर्गर है। बर्गर ही है। क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या? लगता है तुम्हें भी भूख लगी है। तुम हमें क्यों टीच करने की कोशिश कर रहे हो? हमारी प्रेस करो, टॉर्चर मत करो। हाँ मैं तुम्हें टीच कर रहा हूँ, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तो आप स्कूल के हेडमास्टर हैं? हम भी किसी से कम नहीं, हम बैगर के मास्टर हैं। तुम्हारे स्कूल से कहीं ज्यादा बड़ा मेरा स्कूल है। क्यों कैसा लगा? बेगर्स, नॉनसेंस। किसे बोल रहे हो नॉनसेंस? You don't have even sense. जा, तू नहीं देगा तो क्या हुआ? ऊपर वाला सबकी सुनता है। मुझे लगा था मास्टर कुछ दे के जाएगा, पर ये तो झल्ला निकला। ए जा, तुझसे तो पड़े आ रहा हूँ। सॉरी, ये लीजिए। सॉरी। थैंक यू। ये लड़की बहुत अच्छी है ना? ओ गॉड, उस अच्छी लड़की को अच्छी तरह ही रखना, किसी दुष्ट पापी नीच की नजर उस पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। बॉस, गर्ल्स आर रेडी फॉर एक्सपोर्ट, भेज दूं? कलिंगा, इंटरनेशनल मार्केट में पैसे की बात नहीं होती, बात भरोसा और ईमानदारी की होती। देखो, लोग शेख पर भरोसा करती, उसकी ईमानदारी पर भरोसा करती। मैंने तुझ पर भरोसा किया तो फिर हमारे बीच पुलिस की इन्फॉर्मर कैसे आई? बॉस, लगता है कोई बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बार हम तुमको माफ करती। ये देख, ध्यान से देख इस लड़की को, इसकी तस्वीर ध्यान से देख। ये लड़की हमको मांगता, ठीक है बॉस, और बहुत जल्दी मांगता, ठीक है। और सुन, अगर इस लड़की को कुछ होती तो हमारा दिल टूट जाती। ये लड़की कौन है बॉस? सर, आपका बीपी हाई हो रहा है। जब इंसान को टेंशन हो तो उसे आंखें बंद करके माथे पर अंगूठा रख के 1 to 10 तक गिनना चाहिए। ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाता है, आपका दिल कंट्रोल में हो जाता है। किसी पर हाथ मत उठाइए सर। बाय। साहब, आपका बीपी नॉर्मल हो गया, क्या मैजिक हुआ है साहब? तुम्हारी जिंदगी में
एक लड़की आएगी। हम इससे शादी करना चाहता है। मुबारक हो बॉस। तेरा वक्त शुरू हो गया। हाँ। लेके आओ उसे। ठीक है बॉस। अभी का अभी लेके आओ। ढूंढो उसे। सर, हमने जस्ट अभी अभी शादी की है, मिठाई लीजिए ना। मिठाई लीजिए। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। लीजिए लीजिए। थैंक्स। आप भी लीजिए। थैंक यू। चार्ली, हमारी शादी के लिए मम्मी पापा तो नहीं आएंगे और हम लोगों के पास इन लोगों के जैसे फ्रेंड्स भी नहीं है। हे लीला, अपनी शादी में संतू आने वाला है, तुम यहीं रुको। मैं जाकर हार लेके आता हूँ। ओके। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और खुशी का दिन है। कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। आज से पहले मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई। जल्दी आना, मैं यहीं वेट कर रही हूँ। अभी आता हूँ। ओके, यहीं रहना, संतु आएगा। बाय, लव यू। तुम लोग अंदर चले जाओ, रेडी कर दिया सब मैंने। सर। शादी करके सुकून से जियो। थैंक यू सर। थैंक्स चाचा। ए, अंदर जा, चाचा बोलती है। हाँ? ये लड़की अकेली खड़ी है यहाँ क्यों बहन जी? वही लड़का है क्या? छी, वो नहीं है। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा था। आपने उसे कैसे सेलेक्ट कर लिया? आप इतनी खूबसूरत है, कौन है लड़का? वो हार लाने गया है। ओह, फिर तो ठीक है। कोई और साथ में आया है या मैं चलूं साइन करने? हाँ भैया, प्लीज भैया, हमारी शादी के लिए कोई नहीं आया। ठीक है ठीक, चलिए आप भी साइन कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज भैया प्लीज। अच्छा बहन जी, पैकेज बता देता हूँ, आप सेलेक्ट कर लीजिए। सिल्वर 500, गोल्ड 1000, प्लैटिनम 5000। हाँ, बजट देखकर बस बटन दबा दो, जो भी तुम्हें सेलेक्ट करना है। पहले वाली का चाचा बना था, 5000 लिया। तुम्हारा भाई बन जाऊंगा, 2500 लूंगा। ठीक है, लगता है इस लड़की के पास पैसे अच्छे खासे हैं। 100 रुपए है मेरे पास। 100 रुपए है? 2 हार और 1 नारियल भी नहीं आएगा उसमें? कैसी लड़की हो तुम? अब मान लो शादी के बाद पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, डिवोर्स हो जाता है, सब मुझे देखना पड़ेगा ना। क्या कहा आपने? शादी की बात करने की जगह आप मेरे डिवोर्स की बात कर रहे हैं? आपकी जुबान है गटर, कितनी गंदी बात बोली आपने। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं तो बस क्या बात है जानू, गुस्से में हो? चलो पार्क चलते हैं। इतना टेंशन क्यों लेती हो? आओ हमारे साथ। हे, चलना मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे। हे, चल चल। चाली, चाली, चाली देखो ना, जल्दी ले जाओ यहाँ से। छोड़ो उसे। छोड़ो इसे भी उठाओ। ये बाली का एरिया है, किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत की ना तो छोड़ूंगा नहीं। अरे ए, 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 ए भाई, अरे उठो उठो भाई, अरे उठो उठो। देखो तो, उन लोगों ने इस बेचारे का क्या हाल कर दिया। कितनी उम्मीद से बेचारे शादी करने आए थे यहाँ,
अस्पताल लेकर जाना चाहिए। कैसे इस बेचारे का कपड़ा उन्होंने खून से रंग दिया। आप लोग ऐसे देख क्यों रहे हैं, इसे हॉस्पिटल ले चलिए। What about the patient condition? Patient का brain पूरी तरह से corrupt हो चुका है। किसी नवजात बच्चे में और इस patient में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। ऐसे patient की कैसे देखभाल करनी है उनके घर वालों को explain करना पड़ेगा। उन्हें case sheets तभी देना जब वो अपना bill भर दें। ऊपर भगवान बैठा है ना, सबकी जिंदगी के साथ ऐसे खेलता है वो। उन पापियों ने तुम्हें इतना मारा था, मुझे नहीं लगा था तुम बचोगे, मगर तुम जिंदा हो। पर इसका क्या फायदा, जिंदा हो पर लाश की तरह हो। कौन थी वो लड़की, कौन हो तुम? उस लड़की ने जब मुझे भाई कहकर बुलाया ना दोस्त, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सगी बहन मुझसे बोल रही है। तुम दोनों का ये पवित्र प्यार शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारी जान बचाई ना, तो समझो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए ये गिफ्ट है। भगवान, छोटे मोटे काम करके मैं किसी तरह अपना जीवन चला रहा हूं। मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं ये बिल भर सकूं। मेरे इस दोस्त को तुम बचा लेना भगवान, जरूर बचा लेना। देखो बेटी, रो मत। देखो तुम अभी कलिंगा नाम के हैवान के अड्डे पर हो, यहां से बच नहीं पाओगी। देखो जिद मत करो और ये कपड़े पहन लो। तुम अच्छी बच्ची हो ना, कपड़े पहन लो ना। नहीं, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज जाने दो प्लीज। बेवकूफ पागल लड़की, तुझे तुझे मैं मस्का लगाऊं? ये ले, ये ले। नहीं छोड़ दो। तुझे प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन तेरे भेजे में नहीं घुस रहा है। पहनेगी कि नहीं बोल, अब क्या करेगी? ए, वो सिर्फ शेक के लिए, फोन आते उसे भेजना होगा, तैयार रहो। ठीक है बॉस। वाह, क्या लड़की है, अगर ये अपने धंधे में आ जाए तो अपना धंधा निकल पड़ेगा। हाँ ये कहाँ है और मंदिरा कहाँ है, ये घर के दाल चावल जैसी फैमिलियर लगती है यार। लेकिन मंदिरा फाइव स्टार होटल के दम बिरयानी जैसी है। ए, कुछ भी कहो, मंदिरा मंदिरा है। अरे आज का पूरा दिन ही खराब है, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। अरे सच कह रहा हूँ मैं, एक मिनट यार, एक मिनट रुको। हाथ पैर तो तुम्हारे ठीक ठाक है, फिर भी भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुमको? चल जाओ यहाँ से। अभी तक घर का भाड़ा नहीं भरा है, ओनर गालियां दे रहा है। हाँ ठीक है, ओके। ए भाई, ए भाई, ओ भाई, मैं हूँ। अरे मैं हूँ, मैं मदन भाई, तुम्हारी जान बचाई थी ना। क्या हुआ, लगता है इसे कुछ भी याद नहीं। ए, तुम्हारे अंदर अभी भी जान बाकी है, तू भूल गया? क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। ये खाना खाएगा, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना खाएगा। हाँ? चला आ मेरे साथ, खाना खिलाता हूँ मैं तुम्हें। आ, खाना जमकर इसने खाया, डकार मुझे आ रही है। आजा, ये देख, यहाँ रहने के लिए कोई भाड़ा वाड़ा नहीं देना पड़ता है, पेट भर के खाया ना, अब चल के सोते हैं। इसे घुमा कर अंदर आ। इतने दिनों तक था कहाँ तू?
अरे बाप रे बाप, अरे उसी में घूमता रहेगा क्या, इधर आजा। अरे अरे रुक, क्या क्या कर, आजा। अरे यार तू भौरे की तरह क्यों घूम रहा है, आजा आजा, पीछे पीछे दूर मत जाना। अरे तू यहाँ भी भीख मांग रहा है, अरे इसके साथ में रहा तो मुझे भी लोग भिखारी समझेंगे, मैं वहां हूं, आजा। ये वहां क्या कर रहा है? हे भगवान, ओहो, ये सब देखने की चीज नहीं है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो इसे कैसा लग रहा होगा? हे भगवान, ये सब देखना गलत बात है, चल उधर चल। सुनो प्रेमियों, एक काम देवता, उठ। शर्म नहीं आती तुम्हें है? अब मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करो, बेंगलुरु में इतने सारे होटल पड़े हैं और तुम यहाँ ये सब कर रहे हो है? चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, प्यार को बदनाम करते फिर है। ये गाड़ी क्यों हिला रहा है? इस पेशेंट को किसी भी तरह के सेक्सुअल विजुअल से बहुत दूर रखना, क्योंकि अगर सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अरे बाप रे, इसे रोकना होगा। देखो देखो, तुम्हें ये सब नहीं देखना है, आंख बंद करो, आंख बंद, चलो आओ, चलो हटो यहाँ से। कितने बेशरम लोग हैं, ये कहाँ गया? हे ओ भाई, ये लो, असली छोड़कर पोस्टर पर चला है। भाई सब देख लियो तो जल्दी से आ जाओ, इस लड़के को छोड़कर कैसे? अरे जल्दी आ जाओ, अच्छी कमाई होगी। कमाई होगी? हाँ, पता नहीं अब ये पोस्टर हटाएगा या पूरी दीवार हटा देगा। अरे मस्त जोड़ी है, 10,000 की बात की है मैंने, डील पक्की करवा दूंगा। ठीक है, नहाने के लिए रेडी है ना? हाँ रेडी हूँ। तो चलो साथ चलते हैं। ना मुंह देखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सुबह सुबह चले आते हैं। नखरे तो ऐसे करी जैसे हीरोइनों कहीं की। इतना बदसूरत चेहरा और नखरे नूर जान के मेरे जैसा आदमी नहीं मिलने वाला इसे। अरे
अरे ओ बाल का गोदाम, तूने मेरा मिरर क्यों तोड़ा बे? तेरी तो अरे रे रे रे, तेरा तो बहुत खून निकल रहा है, रुक जा, लगता है तू बहुत बड़ा पागल है। पता नहीं ये काम तू जान के कर रहा है या अनजाने में कर रहा है। चल जो भी हो, पहले तेरा खून तो रोकना पड़ेगा। इधर ला, ऊपर कर। कुछ समझ में नहीं आता क्या तुझे? पता नहीं किसने तुझे पैदा करके छोड़ दिया, लगता है किसी का पाप है जो भटक रहा है इधर उधर। देखो तुझे इतना भी नहीं पता कि मिरर तोड़ने से हार्ट कट सकता है? तू खुद देख, देख तूने कितना खून निकाल लिया अपना। ये तो चल बैठ जा। अरे बैठ जाना, चल तुझे कुछ समझाता हूँ, देखना। हाँ ये देख, क्या दिख रहा है इसमें? तेरा चेहरा दिख रहा है ना? मेरा भी चेहरा दिख रहा है इसमें। ये तुम हो, ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये मैं हूँ। कुछ समझा क्या? ये चेहरा देखने वाला आईना है, आईना। समझ आ गया? तो ये ले, ले पकड़ इसे। समझ आ गया आईना तुझे? अरे ये क्या कर रहा है? कैसे मुंह बना रहा है पागलों की तरह से? यहाँ से हिलना मत। मैं नहाने जा रहा हूँ, कुछ और तोड़ फोड़ मत कर देना। ठंडी हवा, अरे मेरे कपड़े, लगता है कोई यहाँ पे मुझसे भी बड़ा भिखारी आ गया। और भाई क्या समाचार है? क्या बताऊँ यार, आदमियों जैसा जीवन हो गया है आजकल। माँ कसम खा के कहता हूँ, तेरी बेटी के साथ अपना रिश्ता नहीं करूँगा। तेरी बेटी मुझे कभी शांति से जीने नहीं देगी। तेरी बेटी गधी है, गधी। मोबाइल हाथ में लेते हैं तो आगे पीछे भी नहीं देखते। सरकार को बोलकर इसे बैन कराना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या हुआ यार, तू ड्रॉप हो गया क्या? पहले वाले को किक मारी तो इसे क्यों छोड़ दिया? अरे अपन तो सिर्फ बैक किक ही मारते हैं, ये तो फ्रंट बैक अप डाउन लेफ्ट राइट सब मारता है। ये ब्रेटली है कि जेटली है? ना ब्रेटली ना जेटली है, ली है। ये तुम कैसे जानते हो? कचड़े के डब्बे के पास रहता था, वहां से इसे जानता हूँ। अरे बाप रे, भाग यहाँ से, जल्दी भाग, जल्दी भाग। पूरा पी गया। ले खाएगा, खा ले। अरे मुंह में डाल। ओ मुंह में डाल ऐसे। ओहो ये देख ऐसे खोला उसको, ये देख आजा। ये तो बहुत तेजी से खा रहा है, खत्म होने से पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो ये भाग जाएगा। हाँ
कहाँ भाग रहा है? चल तू मेरे भाई, चल गाड़ी में बैठ जा, आजा बाहर आ। अरे बाहर आजा पागल। हाँ हेलो बैगिंग मास्टर। बैगिंग करने के लिए कितना परफेक्ट चेहरा गिरा। सुपर सुपर हिट है तू। क्या पर्सनालिटी है, क्या हाइट है। यही है भिखारियों का युवराज, जनता का महाराजा, चिल्लर पैसों का चक्रवर्ती। अब से हमें बैगिंग करने की जरूरत नहीं है रे, बैगिंग महाराज की। कौन है ये? बहुत डिफरेंट है। वो ना गदर फिल्म के हीरो सनी देओल की तरह है, मारने पे मारता है, काटने पे काटता है, पर बोला हुआ काम अच्छे से करता है। चलो आओ। ये मेरे काम आ सकता है। चलोगे? अभी मैं बिजी हूँ, जाओ। अरे हाय मंदिरा। हाय, हाउ आर यू? लेट्स गो। अब चले। ताल से ताल मिलाकर मजा आ गया। गुलाब के फूल की तरह सुंदर हो तुम। अरे मुझे शर्म आ रही है। काम होने के बाद शर्माना नहीं चाहिए साहिब जी। मुझे देने के लिए कुछ लाए हो या ऐसे ही। आज तुम्हारा सुर बदला क्यों लग रहा है? मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं आपके पास पैसा कमाने नहीं आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। मतलब पैसे नहीं चाहिए, तो जो भी चाहिए वो मांग लो ना। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। अरे संकोच मत करो, मांगो। मुझे कलिंगा के बारे में सब कुछ जानना है। अपने छोटे से मुंह से कितने प्यार से पूछा है। कलिंगा के बारे में तो सब जानती हो, मैं क्या बताऊं तुम्हें? मगर इंटरनेशनल एक्टिविटीज। चलो चलो, आई लव यू नो। कलिंगा नाम के बड़े सांप के पीछे शेख नाम का बड़ा साजगर है। माफिया की सभी एक्टिविटीज वो दुबई से कंट्रोल करता है। हर महीने करोड़ों की उसकी कमाई है और हम जैसों को लाखों रुपए देता है, और उसके बारे में यहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता। क्या हुआ? शेख, दुबई शेख।
मुझे बताने के लिए बहुत थैंक्स। चलो चलते हैं। तुम आगे आगे जाओ, मैं बाद में आता हूँ। पुलिस वाला हूँ ना। ओके बाय बाय। एक लड़की बनकर पैदा होना शाप है, लेकिन अगर पैदा हुई है तो एक अच्छी लड़की बनकर माता पिता का नाम रोशन करके एक अच्छी बीवी बनकर जीने की हर एक औरत की आशा होती है, मगर ऐसा मेरा नसीब नहीं। मेरे इस शहर में आते ही पहले ही हफ्ते में इस कलिंगा के चंगुल में फंस गई और वेश्या बन गई। मेरे पास आने वाला सिर्फ मेरे जिस्म को देखता है, मगर मेरे दिल को नहीं देखता। लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने प्यार देखा, तुम पर मुझे भरोसा है। कलिंगा के चंगुल में फंसी हुई बहुत सारी लड़कियों को वहां से मुक्ति मिलनी चाहिए। उसके साथ जुड़े हुए सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन इस मेमोरी कार्ड में है। उसकी बर्बादी तुम्हारे हाथों ही होनी चाहिए। ले लो जल्दी, ले लो ना। हाँ ले लो। ये जन्म में तो क्या, तू सात जन्म भी ले ले फिर भी बॉस का कुछ नहीं कर सकता।
सारे डरपोक। मेरे आने के बाद यहाँ कौन बचेगा? तू कौन है? घर की रखवाली छोड़कर यहाँ फाइटिंग कर रहा है? इन लोगों को मैं जानता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे डैडी ने गुंडों से लड़कर इसे बचा लिया। डैडी आपने ये क्या किया? हमें मारकर हमारा मांस खाने वाले को बचा लिया। ए, सुनो, अपने बेटे को जवाब दो। मैंने इसे क्यों बचाया बताता हूँ। गाँव के सारे लोग एक अकेले के पीछे क्यों पड़े हुए हो? पहले उस बच्चे को हमें दो, बाद में बताता हूँ। अरे ये लो, पकड़ो इसे। क्या है ये सब? ये सब क्या चल रहा है? देवी की पूजा के लिए हम बलि देने जा रहे थे, उस बकरे को उठा ले आया, हमारी पूजा में विघ्न डालता है। इसने अब तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है, और आप सब हो कि तलवार लेकर इसे काटने के लिए दौड़ रहे हो। अरे मेरी छोड़ो, भगवान भी ये मानेगा क्या? हाँ हाँ, अगर हमारी पूजा भक्ति के बीच में आए तो ठीक नहीं होगा, समझे? किस कानून में लिखा है कि बलि नहीं करनी चाहिए? अरे छोटा है वो, समझने की कोशिश करो। हम लोगों की बिरादरी का यही नियम है, हम बलि देते आए हैं और बलि जरूर देंगे। इसे काट कर ही रहेंगे। अरे नहीं यार, मुझे जाति के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। वो बेचारा छोटा है, उसे नहीं काटना है, बस हम उसे काटेंगे। अरे सब बस भी करो, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, अभी ये छोटा है, अभी इसकी बलि मत दो। अगर आप लोग बलि देना ही चाहते हो तो अगले साल बड़ा हो जाएगा तब दे देना, पर अभी नहीं। ठीक है काका, आप कह रहे हैं तो छोड़ देते हैं। छोड़ दो, चलो। उस दिन इसने मुझे बचाया, इसलिए मैंने आज इसे बचाया। गांव में इसे आराम से रहना चाहिए था, फिर यहाँ क्यों आया? आज के लोग जानते हैं कि गलत क्या है, फिर भी वही करते हैं। इसने भी एक बहुत बड़ी भूल की थी, इसीलिए यहाँ आया। कैसी भूल? प्यार किया। इस बच्चे की जान बचा के तुमने बहुत अच्छा काम किया है, सच में बेटा। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। तुम जैसे दो चार लोग हर गांव में हो तो सब अच्छा ही होगा। अबे अपना अंजी कहाँ है? होगा वहीं। अबे सर पे पक्षियों का घोंसला बना रखा है अफ्रीकन कहीं का, नीच बंकस जाके नहा ले पहले। नहा दो के हम सब रेडी है, चलो मंदिर के पास, ली बुला रहा है। मंदिर के पास? चल जल्दी चलते हैं, वरना प्रसाद खत्म हो जाएगा। आके नहा लो, चल जल्दी जल्दी चल। भगवान 100 साल अच्छे से रखना। सभी ब्रेकफास्ट के लिए यहीं आ गए लगता है। पंडित जी प्रसाद बांट बांट के आप थक गए होंगे ना? सही बोल रहे। ये लीजिए, माइंड फ्रेश करके आ जाइए। चाहिए भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। प्रसाद चाहिए तो एक एक करके लाइन से आ जाओ, लाइन में नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा, समझे? चलो 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 चलो। चल इधर आओ भाई। एक मैं ही हूँ जो इस प्रसाद को लेकर के आ सकता था। छोटा चारा डाल करके बड़ा चारा लेकर के आ, ले खा ले। ये लो। अरे वाह, आज तेरी वजह से हमें प्रसाद मिल ही गया। बस यार, ये ले भाई। क्या बात है, पंडित को पटाकर सारा प्रसाद यहीं ले आया। ये लो, यहीं रख देता हूँ, जितना चाहिए खा लो। एक बात बता यार, तू क्रिश्चियन होकर भी हमारे मंदिर में आता है, पूजा भी करवाता है और प्रसाद भी खाता है, ये सब कैसे करता है तू? देख यार, इस धरती पर सभी पक्षियों में सभी प्राणियों में एक आत्मा होती है, और वही आत्मा सच में भगवान है। भगवान तो किसी को भी नहीं दिखते हैं। गाय में दूध बनकर, नारियल में पानी बनकर, बच्चे के चेहरे पर हंसी बनकर, और हम सभी को माँ के रूप में भगवान मिलते हैं। सुपर बात बोली, बिल्कुल सही बोला इसने। अरे सुनो बेटा, सुनो, एक सिगरेट देकर प्रसाद की पूरी बाल्टी आने आए, लाओ दो। ये लीजिए। ये क्या, खाली कर दिया इसे। जाइए ना, भगवान बचाए, कल भी आता हूँ।
ए, क्या बात है, इतना घूर घूर कर किसे देख रही किसी है? किसी को नहीं, ये उसे खा जाएगी लगता है। बोलना। नहीं बाबा, उस दिन उसने एक जानवर को बचाया था, तो यही देख रही थी कि ये वही है या नहीं। ओहो, तेरे मुंह से झूठ इतना अच्छा लग रहा है, तो सच कितना अच्छा लगेगा। चल बताना, बोलना। अरे अरे बोलना। मैं बोलता हूँ। हाय, मैं हूँ ली। ली? या मैं आपको सच में बहुत चाहता हूँ। आप मेरे बारे में जानते ही कितना हो। वो मेरी दीदी लीला महारानी कॉलेज में पीजी रहती है, छुट्टियाँ आते ही गांव आती है। इसे फूल बहुत पसंद है और मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। 1.5 साल से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पता है? तो मुझे अब तक बताया क्यों नहीं, तुम डर गए थे क्या? बिल्कुल डर रहा था, मेरा प्यार तुम्हारी एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए इसलिए डर रहा था। लेकिन अब तुम आसपास रहने वाले 6 गांवों में सबसे अच्छी पढ़ने वाली लड़की हो। तुम्हारी डिग्री भी खत्म हो गई है, इसलिए अभी प्रपोज कर रहा हूँ। I love you. Oh wow! परमपिता के नाम पर सब लोग बोलो आमीन। आमीन। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, ईश्वर उसमें आपकी रक्षा करेगा। आप जो भी काम करते हैं, खेती करते हैं, उसमें ईश्वर को अपने ध्यान में रखिए। अंदर जाकर प्रभु का आशीर्वाद मदद करेगा, सब ठीक हो जाएगा। आपकी अच्छी खेती होगी। जाओ बेटी। इस धरती पर भला करने वालों को भगवान हमेशा सुरक्षित रखे। पवित्र पिता के नाम पे सब लोग कहिए आमीन। फादर। यस, हाउ आर यू माय चाइल्ड, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरा बच्चा बहुत कमजोर होता जा रहा है, दर्द के मारे रोता रहता है। इसके लिए कुछ कीजिए ना फादर। इन द नेम ऑफ जीसस, लॉर्ड जीसस सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, पवित्र मंदिर में आप आए हैं तो उनका आशीर्वाद सदा पर बना रहे। आप सभी गरीबों की मदद करते हैं फादर, इसलिए यहाँ आई। जब पवित्र मंदिर में आप आ गई है तो ईश्वर हमेशा आपकी मदद करेगा ही। अगले हफ्ते हमारे धर्म गुरु जी आ रहे हैं, उनके निर्देशों का अगर आप पालन करेंगी तो ईश्वर जरूर आप पर कृपा करेगा, उनके वचन जरूर सुनिएगा। ठीक है, मैं घर वालों को भी लेकर आऊंगी। सिर्फ अपने घर वालों को ही नहीं, अपने घर के आसपास वालों को भी लेकर आइएगा। आप जैसे लोगों के लिए भगवान के घर का ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी। सुबह से कौवा बोल रहा था, तभी मुझे लगा कि आज हमारे घर कोई आने वाला है, और देखो तुम आ गई। अब बिल्कुल नहीं बदली, 100% वैसे ही हो। वैसे ही सुबह सुबह नहाना, वैसे ही तुलसी पूजा, वही सारी बातें। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। चल अंदर चल, अंदर चल के बात करते हैं। हाय मिलू डार्लिंग। माँ गाड़ी में बैठो, पापा बुला रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे माँ को लेकर जाना है। माँ, आपके सुपुत्र का गाड़ी चलाने का पागलपन नहीं गया? अरे नहीं, अभी तो और ज्यादा हो गया है। जल्दी बैठो माँ। ए, मैं भी चलूँ क्या? ट्रिपल सीट गैर कानूनी है। हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हारे पापा भरेंगे क्या फाइन। ओ वाओ। तुम दोनों चल कर आओ। माँ देखो तो इसे। चलो अंदर चलते हैं। चलो। शेखर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर आपको यह किसान की जिंदगी कैसी लग रही है, आप बताएंगे? देखिए हमारे बाप दादा बरसों बरस से खेती करते आ रहे हैं, पुश्तैनी काम है, अच्छा लग रहा है। आपके घर वालों का सपोर्ट कैसा है शेखर जी? मेरे बीवी बच्चे परिवार के सभी सदस्य इस काम में मेरी मदद करते हैं। आपके घर में इतनी गायें भैंसे हैं, एक तरह की गौशाला लगती है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे हिंदुस्तान में गाय को माँ का दर्जा मिला है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक उसी तरह से हम सबको गौ माता से दूध पीने को मिलता है। आखिर में दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, गाय का दूध पीते हैं और गौमूत्र से पवित्र होते हैं, यह हमारी परंपरा है। अब इस देश में गौ माता का एक बूंद खून भी हम जमीन पर नहीं गिरने देंगे, ये संकल्प लेते हैं। यदि कोई गाय का मांस खाना चाहता है तो वो इस देश से बाहर जाकर खाए। सदियों से हमारे देश में गाय की पूजा होती आई है और हम देशवासी पूजा करते रहे। धन्यवाद शेखर जी। नमस्कार। कैमरामैन रवि के साथ मैं खुशी। पापा कितनी अच्छी बातें करते हैं आप। आई लव यू पापा, यू आर ग्रेट पापा। गाय को बचाने के लिए बोले ना पापा। मालिक कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हाँ जी आपने बहुत अच्छी बातें की। मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी लगी होगी, लेकिन क्या करूं, सत्य कड़वा ही होता है। 1 2 3 4 5 6
Come on, change your legs. 10. Very good. Raju, yao. 1, 2, 3, 4. Hey, Lee Academy में आपका स्वागत है. Thank you. आप यहाँ कैसे? आज तो हमारे स्कूल में रोशनी आ गई. हाँ, ये मेरे होने वाले पति प्रशांत हैं. Hi. Hey, hi. कैसे हो? I'm fine. बॉस, हम भी आपका स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं क्या? यस, क्यों नहीं. शादी के बाद तो वैसे भी मार्शल आर्ट्स की जरूरत पड़ती है. फिर भी बॉस, गांव में स्कूल खोलने के बजाय आपको शहर में स्कूल खोलना था. आप बहुत पैसा कमा सकते थे. नहीं प्रशांत जी, मुझे पैसों का लालच नहीं है. मार्शल आर्ट तो मैं बचपन से ही बहुत पसंद करता हूँ. मेहनत से सीखकर मर्जी से यहाँ सिखा रहा हूँ. ओके ली, अगले महीने हमारी शादी है. हाँ, और तुम्हें जरूर आना है. This is for you. जरूर आऊंगा. ले लो, अब बताओ तुम कब शादी कर रहे हो? अरे काएगी शादी, अब तक तो हमारी लवर ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया. वैसे ये बताओ, लड़की कौन है? ली है. ली है? यस. एक बात बताइए, आपका नाम भी ली, ये स्कूल का नाम भी ली, आपकी लवर का नाम भी ली. यस. ली है या फिर लीला है? ओ वाह. क्या यार अंजी, जंप मारने की बजाय तो घूम कर आ रहा है. ये मर्दों का काम है, इससे नहीं होगा. मर्दानगी की बात करेगा ना तो एक दूंगा. पहले सबके सामने ये प्रूव करो कि तुम मर्द ही हूँ बे. ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दे पाएगा? हाँ पूछ. अरे छोड़ ना यार, क्यों बेकार की बात बढ़ा रहा है? ए तू नहीं जानता तो चुप रहे. ए तू पूछ. सारी दुनिया में सारे इंसानों को एक ही जगह घुंघराले बाल होते हैं, बताएगा कहाँ? ये कैसा सवाल है? बच्चों को भी पता है कहाँ के बाल घुंघरालू होते हैं? बच्चों को भी पता है, मैं भी जानता हूँ, तू बताना कहाँ. कुछ मत बोलना, सेंसर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. घुंघराले बाल कहाँ होते हैं पता है तुझे? वेस्ट इंडीज में. जरा उसे देखना, पता नहीं किसकी याद में पेड़ पे टंगा पड़ा है. चल चल के पूछते हैं. मिस्टर ली कहाँ पे है? मिस ली. ए जल्दी आओ. हाँ? वाओ, कितना सुंदर बनाया है. ए माँ ने बताया तुम बगीचे में हो, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो? हे, ये तो ली पर फिदा हो गई है. ऐसा कुछ नहीं है. हा? वही है यार प्यार का चमत्कार. अरे हमें तो बताना. हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ. उसका नाम तो मेरे दिल में कब का फिक्स हो चुका है. ली तो फिक्स, फिक्स है. हाँ फिक्स है. ऑलमोस्ट फिक्स. अगर ये बात है तो उसे सता क्यों रही है? हाँ भाई, मुझे लगता है कि इस मैटर को आज ही फाइनल कर देना चाहिए. इसलिए तो मैंने तुम लोगों को बुलाया है. हाँ, तेरे उसके बीच में हो सकता है कि हमारा भी जुगाड़ लग जाए. तुम सब मेरे साथ चलो ना, प्लीज प्लीज. तू अभी जाके अपने दिल की जो भी बात उससे कहनी है जाके कह दे. सही सही बात है, बिल्कुल सही का. हाँ ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट. बाय बाय. बाय ली. चल भाई, टेक केयर. हां बाय. ए वो तो इधर ही आ रहा है. अरे यही लाइटर है, जा जा जल्दी जा. आज तो इसे पता के ही रहूंगी. हां जा जा जाओ. ये क्या हो रहा है? रोमांटिक फील की बजाय हॉरर फील क्यों आ रहा है? ओह नो. अच्छा तो तुम वहां हो. छोड़ दो. ये क्या लीला, जिंदगी भर के लिए हाथ पकड़ना चाहता हूँ और तुम हो कि छोड़ने की बात कर रही हो. मैं तुमसे प्यार क्यों करूँ बताओ तो, और तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो ये बताओ तो. इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं मिली क्या? लीला, इस धरती पर जब एक दूसरे को चाहते हैं ना, तो ये प्रकृति ही प्यार का सबूत बन जाती है, पता है? ए समझ में आए ऐसी बात करो ना. ओके, तुम्हारे और मेरे प्यार में यह प्रकृति ही साक्षी है, और वो मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा. ओके ना? ओके.
ओके। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे बजरंगबली के पहाड़ पर आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ओके ठीक है, आ जाऊंगी। ओके बाय बाय। जरा पापा के लिए एक कप कॉफी बनाना। ओके माँ। माँ 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 हाँ, क्या है? माँ अर्जेंट आ रहा है, माँ अर्जेंट आ रहा है। तो क्या मैं गोद में बिठाऊं? जा वहाँ करके आ जा। ठीक है। कॉफी बना के रखी है, पापा को दे देना। हाँ जल्दी आ जाना। हाँ हाँ बाय बेटी। बाय बाय। दीदी दीदी जल्दी धो दो, दीदी दीदी जल्दी धो दो। क्या बिना कपड़ों के पोयम सुना रहा है? जा माँ से बोल मेरे पास टाइम नहीं है। माँ माँ जल्दी धो दो ना, माँ माँ जल्दी धो दो ना। अरे आ रही हूँ, रुक जा, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है पागल? ये लीजिए कॉफी, जल्दी करो ना माँ। हमेशा ऐसे ही करता है, चल धो देती हूँ। लीला क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? ए वो तुमको ही सबूत दिखाने वाले थे ना, इतनी देर क्यों लगाई यहाँ आने में? ओ कूल 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 कूल, कमाल है, इतनी भी क्या अर्जेंसी है? देखो लीला, एक लड़का और एक लड़की की जोड़ी स्वर्ग में ही फिक्स हो जाती है, और ऐसे प्रेमियों की इस धरती पर ये प्रकृति ही साक्ष्य देती है। तो दिखाओ ना। रुको, तो प्यार में सब्र रखना चाहिए। वहां देखो, ओ वाह, तुमसे शुरू होकर तुमसे ही अंत होता है मेरा। अब तो मान गई ना। लव यू ली, आई लव यू। हे लीला, इतनी उदास क्यों लग रही हो? हाँ? हमारे प्यार का कोई मतलब नहीं है, प्लीज मुझे भूल जाओ तुम। हे क्या हुआ लीला? लीला, हे लीला, लीला रुक जाओ। लीला मैं बुला रहा हूँ, फिर भी तुम चली जा रही हो। इतनी एजुकेटेड होकर भी इस जमाने में तुम जाति धर्म के बारे में सोच रही हो? हाँ हाथ जोड़ती हूँ, जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाना। तुम्हें प्रपोज करने से पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए था ना। मुझे बहुत डर लग रहा है ली। प्यार को जीतना है तो तुम्हें पहले डर से लड़ना होगा, और मैं देख रहा हूँ तुम भागी जा रही हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ तो फिर ये गलत है क्या? पर मुझे इस समाज और अपने परिवार के बारे में भी तो सोचना होगा ली। ठीक है आओ मेरे साथ। Confess my children, अपनी समस्या बताइए मुझे। फादर माय नेम इज लीला, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ। इस उम्र में प्यार होना बहुत आम बात है, और आप जैसा कह रही हैं
कि ये प्यार ही आपकी समस्या है। प्यार समस्या नहीं होती है माई चाइल्ड। आई नो फादर, प्यार समस्या नहीं है, धर्म है। ठीक है, लड़का कौन है, कौन सा धर्म है? फादर, मेरा नाम है। चार्ली, ये क्या है? कौन है वो लीला? वो दूसरे धर्म की लड़की है ऐसा ये बोल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा, ये सही नहीं है। माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन भैया ने जो किया वो सही नहीं किया। फादर के स्थान पर रहने वाले इंसान को उस स्थान की इज्जत करनी चाहिए, गलत किए हुए इंसान को माफ करना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए। लोगों का समाधान करने वाले फादर उस स्थान को छोड़कर आ गए तो ये क्या मतलब है? चर्च का फादर होने से पहले मैं तुम्हारा भाई हूं, ये मत भूलो। जिस लड़की के प्यार में तुम पड़े हुए हो ना, उसके पिता को मैं अच्छे से जानता हूं। हमारे धर्म से जलता है वो, बहुत नफरत करता है। नो चार्ली, डोंट गेट ट्रैप्ड। जब इंसान प्यार में फंस जाता है तो आंखों से दिखता नहीं उसे। उस लड़की को देखते ही मुझे प्यार हुआ था, उस समय मुझे धर्म याद नहीं आया। हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। बेटा, ये कैसी जिद कर रहा है? ठीक है, इस समय मैं तुम्हारी बात को हर तरह से मानता हूँ, लेकिन क्या वो हमारी बात मानेगी, हमारे धर्म को अपनाएगी वो? अगर उनके धर्म वाला आकर कहे कि आप हमारे धर्म में आओ तो आप जाएंगे क्या? हाँ, आप बस अंधकार में जी रहे हैं। चार्ली, धर्म के बारे में बोलने से पहले उसे इज्जत देना सीखो। ये धर्म तुझसे, मुझसे, हमारे दादा परदादा, उन सबसे भी बड़ी चीज है, याद रखना। Forgive me, Lord, for any sin that I have committed. Please, for heaven's sake, Charlie, तुम इस दूसरे धर्म वाली से शादी करके अपने धर्म को मिट्टी में मत मिलाओ। भूल जाओ उस लड़की को, तुम भूल जाओ। Her flashing eyes, her floating hair, weave a circle round her thrice and open the door to the holy thread. जान दे दूंगा, लेकिन लीला को नहीं भूलूंगा। चार्ली, कहाँ जा रहा है? जाने दो। My mistake. पिता की जगह रखकर मैंने उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पाला है, और शायद इसी वजह से वो हम बड़ों की इज्जत करना भूल चुका है। जाने दो माँ। कैसे जाने दो बेटा, कैसे जाने दो? चले जाओ, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं बात करता हूँ। नहीं, सुनो। It's okay. हेलो अंकल। हाँ, तुम वो चर्च के फादर एंथनी के छोटे भाई हो? हाँ अंकल। बोलो बेटा, कैसे आना हो? कुछ नहीं, दरअसल मैं और लीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या बोला? तेरी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे ही घर में आकर बोल रहा है कि मेरी बेटी से प्यार करता हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैडम, आर यू नाउ सैटिस्फाइड? पेट भर गया ना अब तो? मेरा ही भाई चाहिए था तुम्हें, तुम और तुम्हारे पिता मिलकर हमें बर्बाद करना चाहते हो, हैं? मेरी बेटी को धमका रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? ए, अपने भाई को भेजकर मेरी बेटी का दिमाग बदलना चाहता है? माइंड योर टंग शेखर भैया, मेरे भाई को फंसाया तुम्हारी बेटी ने, अगर तुमने इसकी सही देखभाल की होती तो ऐसा नहीं होता, तुम्हारे परिवार से पहले जरा अपनी गिरेबान में झांक। गाँव में भाषण देता है और छोटा भाई दूसरे के घर में मुंह मारता फिरता है। तुम लोग, मैं इस गाँव में तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। बहुत देखे आज के बाद से इस गांव को और इस गांव के लोगों को पूरी तरह से भूल जाना। देख भाई, गांव छोड़कर जो गया सब सुधर गए, अब तेरा नंबर है। नहीं यार, मैं अकेला जाता तो कोई टेंशन नहीं होती,
लेकिन अभी मेरे साथ लीला भी है। ए, अरे वो कहावत है ना, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, वो भी तेरे कामयाबी की वजह बनेगी। अभी शर्मा रही है इसलिए थोड़ा दूर बैठी है। गांव वाले क्या सोचेंगे पता नहीं। अरे गांव वालों की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो यार, चार दिन तेरे बारे में बात करेंगे फिर किसी और के बारे में। अरे उनका काम ही क्या है दिन रात किसी की चुगली करना बस। भाई अपना गाँव किसी न्यूज चैनल से कम नहीं है। अरे यार तुम लोगों को छोड़कर जाने का बहुत दुख हो रहा है। हे अभी तू क्या फॉरेन जा रहा है क्या, शहर में जा रहा है ना, मैं भी कभी कभी आकर के मिल लिया करूंगा। हाँ कोई अच्छा दिन देखकर शादी फिक्स कर लेना, हम सब तेरी शादी में जरूर आएंगे। ठीक है देख कोई टेंशन मत लेना, अपना ख्याल रखना ठीक है, चलता हूँ। ओके बाय। भाई जरा यहाँ लगा देना, ये रख ले अपने पास है ठीक है। अरे यार सिर्फ इतना ही? अबे जेब खाली कर दो क्या, ले पकड़ बाय। संभालना अपने ली को, जाओ भाई बाय बाय बाय। ये क्या है जी? आप इतना सोचते रहेंगे तो कैसे चलेगा? इन हालातों को सोचकर मेरा दम घुट रहा है। जाति धर्म के बारे में सोचते सोचते इंसानों का आपस में संबंध बिगड़ता जा रहा है। यह धर्म मुख्य है या फिर इंसान का संबंध, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब हमारी बेटी ही नहीं समझ रही तो कौन समझेगा? पापा आपके लिए मैं हूँ ना शेर राजा। छोटे मालिक शेर राजा या राजा शेर? ए माधव मेरा नाम उल्टा करके क्यों बोल रहा है तू? पापा मैं ना सिटी जाकर उसके साथ फाइट करके दीदी को लेकर आऊंगा, ओके ना? जरूर जाना बेटा, लेकिन पहले चड्डी तो पहन लो, सुबह होते ही चले जाना। मैं पैंट पहन कर जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा चले जा, जाना। इस समय लीला होगी कहाँ, कैसी होगी, क्या कर रही होगी? निकाल निकाल। एक बेवड़े के सामने पूरी बोतल नहीं रखनी चाहिए और एक चोर के सामने सोना नहीं रखना चाहिए। निकाल मुझे चल, जाने दो। निकाल ए, ए, रुक उधर, ए, रुक चल जा, ए, निकाल ए, ए, तू जाता है कि नहीं? ये कौन है? माय गॉड, तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया। मुझे लगता है कि लीला के पिताजी ने तुम्हें मरवा कर वो उसे गांव ले गए होंगे। वो 100% गांव में ही होगी, मुझे विश्वास है तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। गांव जाकर देखो, वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। ठीक है मैं चलता हूँ। रुको ली, ये रख लो। hey, नहीं, नहीं, ये रख, अरे रख लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई तुमको रखना ही होगा, तुम्हें अभी इसकी जरूरत है, रख लो। जब पैसे आ जाएंगे तो वापस कर देना हमें। ओके और हाँ अपनी शादी में हमें बुलाना मत भूलना। हाँ जरूर बुलाऊंगा जरूर। ओके ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आराम से बेटा, चार्ली मामा आ रहे हैं। अच्छा हाँ। चार्ली आजा बेटा आजा, कैसा है तू बेटा, इतने दिनों तक कहाँ था, क्या तुझे हम दोनों की याद नहीं आई? माँ यहाँ लीला आई है क्या? वाह बहुत बढ़िया, आप यहाँ इसकी याद में खाना पीना छोड़कर बैठी हैं और ये यहाँ आता है और उस लड़की के बारे में पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। क्यों बेटा क्या हो गया, क्या हुआ होगा माँ, क्या हुआ होगा? उस लड़की ने और उसके पिता ने मिलकर इसके ऊपर जादू कर दिया होगा।
इसलिए इसके मुंह से लीला 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 उसके अलावा और कुछ नहीं निकल रहा है। माँ, यहाँ लीला आई है या नहीं, क्या बताएंगे आप लोग? चार्ली, जाओ जाओ, तुम उसके पास मार खाने के लिए जा रहे हो ना, जाओ। शांत रहिए, लो खाओ, हाँ तुम भी लो, ये लो। ए पार्वती, क्या है जी? माधव को कह दो पानी पिलाने के लिए, मैं जरा पंचायत होकर आता हूँ। हाँ, ठीक है। किस लिए आए यहाँ? हमारे घर को शमशान बनाकर और मेरी समाधि बनाकर श्रद्धांजलि देने आए क्या? क्यों आया है तू? मुझे लीला से मिलना है। कहाँ है लीला? बोल, कहाँ है? बोल, क्या किया मेरी बेटी के साथ? उसे यहाँ से भगा कर ले गया था, अब उसे ढूंढने का नाटक कर रहा है। बोल, कहाँ है लीला? बता, कहाँ है मेरी बेटी? मैं तेरी जान लेकर आऊंगा, निकल। लीला से मिलना है मुझे। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम्हें तो इस गांव के लोगों को कुछ सिखाना चाहिए। देखो, सब गांव वाले हंस रहे हैं। सुनो, सब्र से काम लो और बैठकर आराम से बात करो ना। लीला, ए अंजी, तू यहाँ? तू वापस गांव आया, झगड़ा हुआ, वापस जा रहे हो, ये बात पता चल गई मुझे। मैंने भी सोचा कि तुम इसी बस से वापस जा रहे होगे, इसीलिए मैं पिछले स्टॉप पे इसी बस में चढ़ गया। हे, गांव छोड़ते वक्त तू लीला को अपने साथ लेकर गया था ना, फिर तू उसे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आया? लीला कहाँ है यार? अरे यार, मैं और लीला साथ में ही गए थे। इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया भी नहीं? अरे तेरे लिए हम सब मर गए थे क्या? सुन, मैं भी अब तेरे साथ शहर चल रहा हूँ, दोनों मिलके ढूंढेंगे। ठीक है। अच्छा, वो कौन सी जगह थी जहाँ तुम गिरे थे, याद है तुम्हें? अरे कुछ तो याद होगा यार। अरे हाँ यार, जब मुझे होश आया था तो मैं एक जगह पर गिरा। हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। हाँ चल ढूंढते हैं यार। हाँ, इस मेमोरी कार्ड को मोबाइल में डाल के चेक करना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मोबाइल कहाँ है? मोबाइल एक मिनट, आता हूँ। ये ले। ओके। भगवान की फिल्म देखे बहुत दिन हो गए, इसमें अगर भगवान की फिल्म होती तो मजा आ जाता। देखना। बड़े सांप के पीछे। अरे यार, इसमें तो कुछ और भरा हुआ है, ये तो अंडर वर्ल्ड का मैटर लगता है यार। स्विच ऑफ हो गया। देख, ये सब देखने के बाद मुझे बहुत खतरा लग रहा है यार, इसे कैसे भी करके पुलिस तक पहुंचा दे। ए, कोई अच्छा पुलिस वाला होता तो ऐसा सब होता क्या? हा? किसी एक अच्छे पुलिस वाले को हम भला कैसे ढूंढेंगे? हाँ, इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, चल। ठीक है चलो। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, प्लीज सिट डाउन। सर, सभी स्टाफ को स्पेशल पावर दे दिए गए हैं। ये इन्फ्लुएंस जैसा वर्ड पुलिस की डिक्शनरी में अब नहीं रहेगा। एमएलए का बेटा, एमएलए का दामाद, एमएलए का भाई, इतना ही क्यों, काउंसलर का फ्रेंड, ऐसा बोलकर अब कोई भी पुलिस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। देखिए सर, अब कोई भी क्राइम करे उसके खिलाफ हर थाने में एफआईआर लिखी जाएगी। अब सबको पता चलेगा कि पुलिस पावर क्या होती है। भाई, मुझे लगता है यही सही ऑफिसर है, क्या बोलता है? मगर अभी इसके पास कैसे पहुंचे हम? साले चोर कहीं के, मेरा मोबाइल चोरी करेगा, दे इधर, चल जल्दी निकाल मेरा मोबाइल, दे निकाल। सॉरी सर, आपका मोबाइल है, हम जानते नहीं थे। छोड़ दीजिए ना, लाठी पहले चुरा लेता। अरे चुप कर, ज्यादा बकवास की तो पुलिस स्टेशन में डालूंगा। पुलिस स्टेशन? हां चलो चलो, पुलिस स्टेशन चलिए सर, चलिए जल्दी, चलो चलो चलिए सर, चलिए चलिए। चुपचाप बैठो यहां पे, सॉरी सर, सॉरी, बैठो यहां पे, बैठ। ओके,
अच्छे पुलिस वाले हैं, मार नहीं रहे। सीधे बैठ, बैठ इधर, तू इधर। ओके ओके, बैठ, यहाँ से हिलना मत, चुपचाप बैठ। बिना मतलब के मार दिया। गुड मॉर्निंग सर। कौन है ये? मोबाइल चोर है सर, मेरा मोबाइल चोरी किया। इनमें कितनी हिम्मत है देखो तो सही। इनकी फोटो खींच कर बोर्ड पर लगा दो। फोटो लगता है ये सब पुलिस में आने के पहले ना बैंड वाले थे, जो भी आ रहा है बजा रहा है हमें। अबे जरा चुप बैठना, वो लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ नहीं सर। हे आनंद सर, इन्हें जरा एक राउंड टिफिन तो देना। यस सर। हे, हे, टिफिन मिलने वाला है, चल चलते हैं। मुझे भूख नहीं लगी, तू जाके खा ले। तेरे हिस्से का भी मैं ही खा लूंगा। ठीक है जा। चला रे। सर मुझे वड़े बहुत पसंद है, चलिए सर। बकवास मत कर, ये थाना कोई होटल नहीं है, दूंगा जोर की। टिफिन अच्छा था क्या? टिफिन का मतलब ये होता है, पहले बताना था यार, अगर टिफिन ऐसा है तो खाना कैसा होगा, सोच के डर लग रहा है। किसी तरह निकाल यहाँ से। थोड़ी देर बैठना, ऑफिसर के आने का टाइम हो गया। नमस्कार सर। कौन है ये दोनों? सर मोबाइल चोर है सर। सर हम लोग चोर नहीं है सर, आपसे मिलने के लिए आए हैं सर। जी हाँ सर। बात क्या है? बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन पर्सनली करनी है। लीला, लीला प्लीज सर, प्लीज सर, आराम से बैठो। मैंने सब सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। इनकी शादी करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है सर, तुम्हारी शादी अब पुलिस करवाएगी। कलिंगा, इसमें तेरी पूरी जन्म कुंडली बंद है कलिंगा। तू नसीब वाला है कलिंगा कि ये कुंडली किसी और के पास नहीं, मेरे हाथों में आकर गिरी। मेरे पीछे इतनी बड़ी नेटवर्क है, इसे किसने दिया है? ली अभी तक जिंदा है, उस लड़की का लवर। क्या कहा, वो अभी तक जिंदा है? बस ऑर्डर दो तो अभी उड़ा देता हूँ उसे मैं। बोलो कलिंगा, बस उस लड़की का लवर अभी तक जिंदा है? कलिंगा तुम क्या बोलती? सिर्फ इतना ही नहीं बॉस, अपने पूरे सीक्रेट शूट करके उसने मेमोरी कार्ड एसीपी को सौंप दिया है बॉस। वो मेमोरी कार्ड कहाँ है? मेरे पास है बॉस। वो मेमोरी कार्ड को ध्यान से रखो अपने पास। मुझे इंडिया जाना ही होगा। उस लड़के के यहाँ पहुँचने से पहले ये लड़की वहाँ पहुँच जानी चाहिए। हमारी शादी की तैयारी करो। पुलिस पर भरोसा करके गया था, लेकिन वो सबूत भी ले लिया। मुझे बाहर छोड़कर तुझे अंदर लेकर गया, तभी मैं समझ गया था। मैं तो सोच रहा था ये पुलिस वाला ईमानदार निकलेगा, लेकिन ये तो बहुत ही खड़ूस निकला यार। ए, कुछ भी कर यार, लीला को ढूंढना ही होगा। हाँ यार, कैसे भी करके लीला को ढूंढना ही होगा। देख, दोनों साथ ढूंढेंगे तो नहीं चलेगा। तू उसे कहीं और ढूंढना, मैं उसे कहीं और ढूंढना। अरे वो सब तो ठीक है यार, पहले यहाँ से बाहर निकलने की सोच। यही सबसे बड़ी मुसीबत है यार। स्वामी अन्नदाता प्रभु जी, एक कड़क नोट दे दो तो काम हो जाएगा। ए, चल निकल यहाँ से, एक तो पहले ही टेंशन है, ऊपर से तू भी आ गया। अरे तो तू ही है, इतने दिन कहाँ था रे तू? तो तेरा तो हुलिया ही बदल गया, तू तो पूरा चेंज हो गया। ए, तू तो गजनी जैसा था रे, अब कवाली जैसा बन गया है। तू मुझे जानता है क्या? कैसी बात कर रहा है तू, तुझे भूल जाऊंगा? एक बार को तेरे माँ बाप तुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं भूल जाऊँ ये नामुमकिन है। मुझे जानता है तो लीला को भी जानता होगा ना। कहाँ है लीला? प्लीज 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 बता देना लीला कहाँ है। अबे कौन सी लीला, कौन सी रामलीला, कौन सी रासलीला की बात कर रहा है? ये देख प्लीज, अरे ये? प्लीज बता देना इसके बारे में। ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है भाई, ये रम्मी का डिपार्टमेंट है, वो ही बताएगा। रम्मी? ए, बोल वो कहाँ मिलेगा। ये कहाँ जा रहा है? लीला। तुम यहाँ कैसे? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ करता हूँ, मुझे यहाँ से निकालो।
पंची, जल्दी जल्दी खोलो। मुझे बाहर निकालो, जल्दी जल्दी खोलो प्लीज, मुझे बाहर निकालो। चाली कहाँ है? तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिंदा मत छोड़ो इसे। तुम जितना भी चिल्ला लो वो यहाँ आने वाला नहीं है। अगर वो तेरे लिए यहाँ पहुंच भी गया तो उसका भी यही हाल होगा। इस बॉडी को पार्सल कर दो। ठीक है भाई। लॉर्ड जीसस, प्लीज ब्लेस माय चाइल्ड। इस पवित्र जगह पे आने के बाद उनका आशीर्वाद सदा आप पर रहेगा, आप चिंता मत करें। कलिंगा का साम्राज्य बर्बाद करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन तुमने उस पर पानी फेर दिया। अब तो इंसान बनो, मुझे समझो। मैं इंसान बन गया हूँ। बेटी को उठाने के बाद तकलीफ क्या होती है इसका पता चला मुझे। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है और भगवान ने मुझे उसी से मेरे कर्मों की सजा दी है। जो हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ। तुम जैसा सोच रही हो वो चिप उसके हाथों में जाने की वजह मैं नहीं हूं। सुनो, उस चिप को मैं ढूंढ के लाऊंगा। हाँ, और उस दुष्ट को उसे उसे मरना होगा। उसके अंत के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा यकीन करो प्लीज। शेख साहब, मैंने इसे तैयार कर दिया है। माशाल्लाह, तुम बहुत खूबसूरत दिखती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा मेरी रानी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कहीं भी ले जाओ, मेरा चाली जरूर आएगा और तुम सबका बैंड बजाएगा। ये क्या बोलती? ओ मेरी रानी, तुम उधर किसे देखती? इधर तो देखो। आ, 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 आ,
तुम लोग यहीं खड़े रहो। कहाँ चले गए सबके सब? तू उस तरफ क्यों चला गया? इनका फाइट देखने के बाद अब मैं इनका फैन हो गया बॉस। ये क्या मारते हैं कलिंगा? क्या? मत मार डालो इसे। इस बुजदिल को मुझे मारने के लिए कह रही हो? ए, हाइट और वेट देखकर ज्यादा उड़ मत समझा ना। तो चाहे जो भी हो, चार्ली की एक पड़ेगी ना नीचे गिर जाएगा, और अगर नहीं गिरा ना तो जिससे कहेगा उससे शादी कर लूंगी। तो चलो फिर वो भी देख लेते हैं। ली उठो, इसे मार डालो। चार्ली, गेट अप, चार्ली, 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 गेट अप, उठो, चार्ली। मार डालो चार्ली। कुछ मत करना चाली, उसने सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए ये सब कुछ किया था।
उसकी कोई गलती नहीं है, उसके गुनाहों की सजा भगवान उसे जरूर देगा। आठ कंट्रीज का वांटेड क्रिमिनल है तू, चल। चार्ली। माँ, माँ, कैसी हो माँ? चार्ली, बेटा, तू कितना कमजोर हो गया है, घर चल बेटा, अपनी माँ की बात मान ले बेटा, घर चल, चल ना बेटा। तुम्हारा भाई बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा, घर चल ना बेटा। मैं आपकी बनाई हुई धर्म और जाति की दुनिया में बिल्कुल नहीं आना चाहता, वो नाटक वाली दुनिया में मुझे आना ही नहीं है। उस धर्म वाले समाज को छोड़कर मुझे प्यार का साम्राज्य, ली का साम्राज्य बनाना है। फ्रेंड्स, धर्म और जाति ये सब कुछ भी मत देखो, सबसे प्यार करो। लव यू।